जनपद बिजनौर यूपी के चांदपुर के पास ग्राम रवाना में आज दिनांक 8/2/2019 को चांदपुर विधानसभा के गांव रवाना कमालपुर में एक प्राकृतिक आपदा आई जिसमें गांव में सैकड़ों मकान धराशायी हो गए एवं 25 से 30 लोग घायल हुए जिसमें 6 से 8 लोग गंभीर हालत में हैं जिन्हें बाहर रेफर किया गया। इस आपदा में गाँव में बहुत अधिक आर्थिक क्षति हुई है जिसमें राष्ट्रीय लोक दल का एक प्रतिनिधिमंडल सवेरे ही गाँव में दौरा के लिए पहुँचा और पीड़ित ग्रामवासियों से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की और प्रशासन से घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के लिए कहा और चीन का आर्थिक नुकसान हुआ है उनकी आर्थिक मदद करने की प्रशासन से मांग की। गांव में लगभग सारा प्रशासनिक अमला एसडीएम साहब के डीएम साहब और अन्य सामाजिक संगठन गांव वालों की पीड़ा साझा करने के लिए पहुंचे। राष्ट्रीय लोक दल का प्रतिनिधिमंडल ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र प्रधान के नेतृत्व में गया जिसमें मुख्य रूप से डॉ विपिन तोमर हुकम सिंह राठी नरेश नेताजी रामफल मुखिया जी रविन्द्र त्यागी जी और राजीव राजपुर वीरेंद्र सिंह पावलिया आदि कार्यकर्ता पहुंचे और प्रशासन से गांव वालों की मदद की मांग। वो चल जाएगा आगे को ना नाम बता दिए पहचान दे ला बिल इंजन के साथ इनके 10-5 के बीच बयान लो अधिकारियों के बयान लो कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार, ग्राम प्रधान रवाना। ये प्रधान जी, क्या मामला है जो आपकी तबाही इस कदर फैली हुई है? ये साहब रात 9 बजे का मामला है लगभग जी, इसे प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे जी। लगभग हमारा पूरा गांव उजड़ चुका है, 120 घर तबाह। प्रशासन से क्या मदद आई है? अभी कोई मदद नहीं। कौन इस टाइम मौजूद है इसमें अधिकारी? इस समय सुबह नायब साहब आए हैं, लगभग 9 बजे हैं और लगभग रात 9 बजे से अब तक मेरे ख्याल से 16 घंटे हो चुके हैं। 16 घंटे तक अभी तक कोई प्रशासन बड़ा अधिकारी कोई मौजूद नहीं है। डीएसओ साहब आए हैं जिलापुर से अधिकारी। लगभग कितने घायल हैं इन दादा? 10 से 15 लोग घायल। 10 से 15 घायल हैं इसमें। एक महिला की स्थिति ज़्यादा खराब, उसकी आँख भी बंद है, बहुत ज़्यादा चोट है। कहाँ भेजा गया उन्हें? कहाँ भेजा गया इस टाइम? कौन सा हॉस्पिटल? उन्हें साहब बिजनौर हैं वो लोग। लगभग इसमें कितना नुकसान है आपका? 1 करोड़ का नुकसान, मतलब 1 करोड़ का नुकसान है। इसमें डीएम साहब का कोई बड़ा अधिकारी, कोई आला अधिकारी नहीं आए हैं? भी कोई अधिकारी नहीं है। ठीक है, आप भी देख रहे हो। और मकान जिन लोगों के ज़्यादातर गिरे हैं वो ऐसे हैं जिनके छप्पर वाले या टीन वाले थे। और हमें वैसे भी हमारे गाँव को कोई मकान की सुविधा भी सरकार से नहीं मिली है। एक भी मकान हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास में बना है, बाकी सब गाँव में जो है बहुत बहुत मकान बन गए हमारे यहाँ, एक भी मकान। लिस्ट बना के हमने भी दिया पहले, और आपने देख लिया जो जिनके लोगों के मकान गिरे हैं सब घर से बेघर ही हो गए। 30-40 लोग तो ऐसे हैं जिनका मामला बिल्कुल खत्म है मकान का। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? और सरकार से साहब, जिन लोगों के मकान खत्म हुए ना मकान मिले, और जो नुकसान वैसे दीवार गिरी है किसी की, उन्हें मतलब पूरी मदद मिले। नाम है तुम्हारा? मोनू जी। मोनू, क्या मामला हुआ है? बस जी पता नहीं, हादसा हुआ एकदम आके, हम तो सारे इसमें ही थे। ये कितने बजे घटना रहा था? 9 बजे। ये आपका घर एक ही घर था ये? हाँ, इसके अंदर आप लोग यहाँ सो रहे थे अंदर? हाँ जी। तो आपके किसी चोट तो नहीं? नहीं जी, हमारे नहीं लगी चोट। चोट नहीं लगी है? सामान गिरा है आप लोगों के ऊपर? ऊपर से गिरा है। कोई घायल नहीं है? हाँ। इस तरह का सरकार से क्या वो प्रशासन से कोई मदद मिली आप लोगों को? नहीं जी, प्रशासन से कोई मदद नहीं। घर कच्चा था पक्का? घर कच्चा था ना। ठीक है, ओके।